खबर जो है वो वही आज की जो खास चर्चा है उसी से जुड़ी खबर है कि फर्जी वीडियो जो घुमाया जा रहा है एआई तकनीक का इस्तेमाल करके, उसके पीछे का मकसद क्या है। तो फर्जी वीडियो, हार का डर या फिर गुमराह करने की कोशिश, आखिर क्या मकसद है इसके पीछे, क्यों इस तरह के फर्जी वीडियो को इस बार घुमाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में वार पलटवार का प्रचलन तो पुराना है, लेकिन फर्जी वीडियो को वायरल कराना ये लगता है इस बार नई रणनीति है। हालांकि पहले भी ऐसा हो चुका है, अमिताभ बच्चन की आवाज, शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग वाली जो खबर थी वो, इस कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है, ये मामला सामने आया। हालांकि इस पर कड़ा एक्शन हुआ, FIR हुई है। आरक्षण खत्म करने से जुड़ा अमित शाह का फर्जी वीडियो डाल दिया गया तो दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, FIR दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। गृहमंत्री ने दरअसल धार्मिक आधार पर संविधान के विरुद्ध आरक्षण देने की व्यवस्था को समाप्त करने की बात कही थी, ये असलियत थी उनके वीडियो की, लेकिन एडिट कर दिया, फर्जी डाल दिया, वीडियो वायरल कर दिया और उसमें SC ST और पिछड़ों के आरक्षण की बात डाल दी। दिल्ली पुलिस ने अनेक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है इस मामले में, फर्जी वीडियो मामले में। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी को कल जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो तेलंगाना कांग्रेस है ना, उनके हैंडल से ये शेयर किया गया था और अध्यक्ष भी अभी वही है। असम से लेकर गुजरात तक वीडियो सर्कुलेट करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है अभी तक। कांग्रेस चेतावनी दे रही है कि हम भी गैर BJP वाले राज्यों से BJP के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करेंगे, भले कोई वीडियो हो या ना हो। तो सवाल है कि क्या आरक्षण पर फेक नैरेटिव को सही बताने के लिए कांग्रेस को फेक वीडियो की जरूरत पड़ी ही क्यों। PM मोदी ने तो इसे हार का डर बताया कि भाई हार का डर है इसीलिए इस तरह का वीडियो फैला रहे हैं। हार की हताशा में विपक्ष फेक वीडियो सर्कुलेट कर रहा है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। हम पीछे से हमला नहीं करते, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको जो करना होता है वो तो ताल ठोक करके सीना 56 इंच के सीने के साथ करते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक करके हमने सबसे पहले पाकिस्तान को ही बताया कि हाँ किया हमने, कर दिया एयर स्ट्राइक। तो ठोस मुद्दे के अभाव में आखिर विपक्ष की क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि लोकसभा चुनाव में वार पलटवार का वैसे तो प्रचलन पुराना है, लेकिन देखिए जो AI का इस्तेमाल करके ये जो फेक वीडियो बनाया जा रहा है, और कहीं कोई और दूसरा बनाए दूसरा शेयर करे तो बात अलग है, एक पार्टी कांग्रेस पार्टी उनके ऑफिशियल हैंडल से इसको शेयर किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है और चिंताजनक बात है। AI वीडियो में तो आप किसी के वीडियो के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करके सर्कुलेट कर दें, ऐसा अगर होगा तो कितना खतरनाक है। पहले जरा हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं फिर चर्चा करेंगे, देखिए वो क्या वीडियो कैसे बनाया गया था। कर जाता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक SC ST और OBC का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे, रिजर्वेशन को हम समाप्त कर। देखा ना आपने दोनों वीडियो, उसमें से पहला वाला जो था वो ओरिजिनल था, दूसरा वाला फेक था। तो ये कमाल करके इसको घुमाया जा रहा है, मकसद आप समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग चुनाव हार चुके हैं वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक खबर फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीछे से वार नहीं किया करते। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए
पुलिस को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी। ये मोदी जो है ना, सीना तान करके आंख में आग मिला करके लड़ाई लड़ता है, पीठ के पीछे वार नहीं करता है। मैंने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया, चोरी छुपे के नहीं किया, एयर स्ट्राइक कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आज हमने ऐसा ऐसा किया है और दुश्मन का इतना इतना नुकसान किया है। इतना ही नहीं, जब हमने एयर स्ट्राइक किया तो मैंने प्रेस को बुला के रखा था और फौज के लोगों को आया था 11 बजे प्रेस को बताना है, लेकिन मैंने कहा कि उसके पहले मैं पाकिस्तान को टेलीफोन करके सूचना दूंगा कि आज हमने रात को एयर स्ट्राइक की है, तुम्हारे इतने लोगों को मारा, इतनी तबाही की है, उनको बता दूंगा, छुपाऊंगा नहीं। तो आपने पीएम को सुना,